चिट्टे का प्रचलन प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। यह बात मंगलवार को शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कंडाघाट के साधुपुल में नवदुर्गा क्लब साधुपुल द्वारा आयोजित ओपन कबड्डी टूर्नामेंट के समापन अवसर पर कही। उन्होंने कहा सरकार भी अपनी तरफ से इस संबंध में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस का कानून है, उसमें संशोधन किया गया, उसे और मजबूत किया गया, लेकिन बावजूद आज हिमाचल में चिट्टा तस्करी व अन्य ड्रग्स माफिया उनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बधाई देता हूं, और खास करके जो यहां का युवा वर्ग है, जैसा मैंने कहा कि ये आप लोगों की वजह से इतना समर्थन हमेशा हमें मिलता है। अभी आपने जैसा देखा कि जो चार उपचुनाव हुए मंडी संसदीय क्षेत्र का और तीन और विधानसभा के, उसमें जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला है, ये इसीलिए मिला है क्योंकि हम सकारात्मकता से आगे बढ़ रहे हैं और हर आवाज को, समाज के हर तबके की आवाज को मजबूती से आने वाले समय में उठाने का प्रयास करते रहेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से मेरे पिताजी ने, राजा वीर भद्र सिंह जी ने, स्वर्गीय राजा वीर भद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश के हर इलाके का सम्मान विकास किया, मैं हर मंच से ये कहता हूँ, आप लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि हमारे घर के दरवाजे शिमला में हॉली लॉज के दरवाजे हमेशा हर युवा के लिए खुले हैं। आप हमारे समक्ष में मिलकर आपकी कोई भी दिक्कत है, चाहे व्यक्तिगत है, चाहे आपके एसोसिएशन की है, चाहे आपकी स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी की है, जो भी हमसे हो सकेगा आपकी आवाज को हम हमेशा मजबूत करने का प्रयास करते हो। आंकड़े हमको देखने को मिलते हैं विधानसभा में, अक्सर इस मुद्दे पे हमेशा बहस होती है, इस मुद्दे पे डिबेट्स होती है, और जिस तरीके से चिट्टे का प्रचलन हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। इस पे सरकार भी अपनी ओर से कार्य कर रही है। आपने अभी पीछे देखा कि जो एनडीपीएस का कानून है, उसमें संशोधन किया गया, उसे और मजबूत किया गया, मगर उसके बावजूद आज हिमाचल में जो चिट्टा तस्करी है या और जो ड्रग माफिया है, वो लगातार उनका ग्राफ प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये हम सब के लिए एक बहुत चिंता का विषय है और इस पे कार्यवाही करना, उसके साथ साथ युवाओं को प्रेरित करना कि वो इस चीज में ना फंसे, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से है, चाहे रोजगार के माध्यम से है, चाहे और अलाइड एक्टिविटीज के माध्यम से है, उस चीज को हमें और बढ़ावा आने वाले समय में देने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, पैराग्लाइडिंग, अभी हमें खुशी है कि यही आपके शिमला के समीप जो है वो जुन्गा में शुरू हुई है, उसको और मजबूती के साथ हमें और आने वाले समय में इस इलाके के युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए उसे और मजबूती से आगे ले आने की आवश्यकता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।